ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहां तुरे पिया बसे, पूनम है हर रात वहां पर हो न कभी पर्वत पर्वत देवलोक है, अमृत है वो नीर, जीते जी भव सागर दारे गंगा जमुना तीर। नमस्कार। गंगा और यमुना पृथ्वी पर जलधारा के रूप में आई तो बस इसलिए कि युगों से मोक्ष के प्यासे मनुष्यों की प्यास बुझा सके। गंगोत्री और यमुनोत्री, जहाँ से गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदी निकलती है, वो किसी देवलोक से कम नहीं। इसलिए गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा स्वर्ग की यात्रा है, देवताओं के धाम की यात्रा है। हर सुबह सूर्य की किरणें आसमान से धरती तक आती हैं और धरती की सात पावन नदियों का जल सूर्य को अर्पित होता है। रीतियों, रिवाजों, आस्थाओं के देश भारत में सुबह ऐसे ही होती है। यूं तो सूर्य को समर्पित इन सात नदियों का जल महापवित्र है, लेकिन यमुना का जल सूर्य देव को सबसे अधिक प्रिय है। सूर्य भगवान और देवी संजना की पुत्री यमुना तीनों लोकों में पूजी जाती हैं। यमुना यमराज की बहन है और इन्हें यमुना नाम यमराज से ही मिला है। कहते हैं यमुना की पवित्र जलधारा में स्नान करने से यमराज की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य भयानक मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यमुना की ये पवित्र जलधारा यमुनोत्री से प्रकट होती है। हिमालय के पर्वतों से आशीर्वाद के रूप में बहती हुई यमुना उत्तर भारत के कण कण को अपनी स्नेह से सींचती हुई गंगा में विलीन हो जाती है। हमारे जीवन को शुभ फल देने के लिए, हमारी आत्मा को शुद्ध और मन को निर्मल करने के लिए यमुना हजारों मीलों की यात्रा करती है और हमें उनकी उद्गम स्थली यमुनोत्री का दर्शन करने के लिए बस कुछ कदम ही चलना पड़ता है। यही माँ का प्यार है, यही उनका आशीर्वाद है। यमुनोत्री के मार्ग में भैरव विराजमान है। ऐसा विश्वास है कि माँ यमुना के दर्शन को जाने वाले भक्तों की भैरव हर बाधा से रक्षा करते हैं। पर्वतों की ऊंचाइयां पार करके माँ यमुना के दरबार का पहला दर्शन मिलता है तो मन एक अलौकिक आनंद से भर जाता है। कठिन रास्तों से गुजरने का कष्ट एक क्षण में मिट जाता है, यहाँ तक कि पांव के छाले भी मुस्कुरा उठते हैं।
यमुना का जल अमृत के समान है और यमुनोत्री वो अमृत कलश है जहाँ से ये जीवन धारा प्रवाहित होती है। इस अमृत कलश का दर्शन सिर्फ एक तीर्थ, एक धाम का दर्शन नहीं, श्रद्धा के उस रूप का दर्शन है जो भारत की मिट्टी में रचा बसा है। यमुनोत्री दर्शन माँ यमुना की ममता को उनके आंचल की छाव में बैठकर महसूस करना है। ये श्रद्धा और प्रेम की ऐसी आत्मिक अनुभूति है जो हमेशा हमेशा के लिए साथ रह जाती है। यमुना सूर्य की पुत्री है, उनकी बूंद बूंद में सूर्य की ज्योति प्रज्वलित है। कहते हैं एक किरण के रूप में सूर्य देव युगों युगों से यमुना के साथ हैं, उनकी निर्मल जलधारा में वास करते हैं। कहते हैं यही हिमालय की गोद में यमुना जी ने अपने पिता सूर्य देव की तपस्या की। सूर्य देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने एक कुंड की स्थापना की जिसका जल उनकी कृपा से हमेशा गर्म रहता है। इस कुंड को सूर्य कुंड कहते हैं। माँ यमुना में जहाँ सूर्य का तेज है वहीं उनका हृदय फूलों की तरह कोमल है। आत्मा से उनकी श्रद्धा में जो भी कह दो वही प्रार्थना है। प्रेम से उनके चरणों में जो भी रख दो वही प्रसाद है। माँ यमुना के इस धाम में सूर्य कुंड में पका हुआ चावल उन्हें प्रसाद के रूप में भेंट किया जाता है। इस अलौकिक जलधारा की पूजा इसी प्रसाद से की जाती है। यमुना मैया तक अपनी प्रार्थनाएं पहुंचाने के लिए इस दिव्य शिला को बड़ी श्रद्धा से पूजा जाता है। कहते हैं यहाँ पूजा करने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती। प्रार्थना वो भाषा है जिसमें भक्त भगवान से बात करता है। यमुनोत्री में माँ यमुना की पूजा बड़ी विधि विधान से की जाती है। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम्, त्वमेव त्वमेव सर्वम्। लक्ष्य यमुना मैया को प्रसन्न करना हो या सुहाग की लंबी आयु की कामना हो या फिर भक्ति में मन की शांति ढूंढना हो, माँ यमुना सबकी सुनती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। देवलोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष के 3.5 करोड़ की जिसके आगे सर झुकाए खड़े हैं, ऐसी महान शक्ति का नाम है गंगा। गंगा जो भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली है, जिसे भोलेनाथ की जटाओं में स्थान मिला है और जिसका हर तट एक तीर्थ है, ऐसी गंगा मैया के द्वार तक पहुंचना जीवन के सारे शुभ कर्मों का फल एक साथ पा लेना है। जैसे मंत्रों में ओम मूल मंत्र है, वैसे ही गंगा के अनेकों तीर्थों में गंगोत्री मूल तीर्थ है। गंगोत्री वो आधार है जहाँ से करुणा, दया
और ममता की ये जलधारा प्रवाहित होती है। गंगा जल पर्वत मालाओं से धरती पर गिरता हुआ ईश्वर का वो वरदान है जिसे किसी युग में अमृत कहा जाता था। देवभूमि हिमालय से उतर के गंगा उत्तर की ओर प्रस्थान करती है, इसलिए गंगा मैया की इस उद्गम स्थली को गंगोत्री कहा जाता है। कहते हैं प्राण जब शरीर त्याग रहे हों तो गंगा जल की दो बूंदें मुंह में जाने से स्वर्ग मिल जाता है। जिस गंगा मैया की दो बूंदों में इतनी शक्ति हो, साक्षात उसकी उद्गम स्थली गंगोत्री के दर्शन से जीवन सफल हो जाता है। गंगा का कोई भी तीर्थ हो, गंगा जल से स्नान करके हर तीर्थ में मुक्ति मिल जाती है। लेकिन गंगोत्री वो तीर्थ है जहाँ की मिट्टी भी माथे पर लगा लें तो मोक्ष मिल जाता है। ऐसा विश्वास है कि गंगोत्री की हवा भी अगर तन को छू ले तो जन जन्मांतर के दुख एक क्षण में मिट जाते हैं। कहते हैं वामन अवतार में भगवान विष्णु ने भिक्षा के रूप में राजा बलि से धरती के तीन पग मांगे थे। भगवान विष्णु ने उन तीन पगों में तीनों लोकों को नाप लिया। स्वर्ग लोक में पांव रखते ही उनके पांव से एक जलधारा बह निकली जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। इसी पावन जलधारा को गंगा के नाम से जाना गया। गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, इसके पीछे तप और साधना की युगों पुरानी कथा है। सतयुग में राजा भागीरथ ने 5,500 वर्षों तक गंगा मैया की तपस्या की। गंगा मैया प्रसन्न होकर स्वर्ग से धरती पर उतरी और राजा के पूर्वजों को शाप मुक्त किया। भागीरथ शिला ही वो पवित्र आसन है जहां बैठकर राजा भागीरथ ने आस्था का इतिहास रचा था। इसी तपस्थली पर भागीरथ जैसे महान तपस्वी ने गंगा मैया की शक्ति को अपनी भक्ति के वश में कर लिया था। गंगोत्री मंदिर गंगा की पृथ्वी पर उतरने का साक्षी है। गंगा अगर स्वर्ग का द्वार है तो गंगोत्री मंदिर गंगा की असीम करुणा और ममता का द्वार है। गंगा मैया इसी द्वार से धरती के तरन तारण की यात्रा आरम्भ करती है। गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट होकर ब्रह्मा जी के कमंडल में समाते हुए शंकर भगवान की जटाओं से बहकर इस पृथ्वी पर आती हैं। जिस पर इतने देवताओं की कृपा हो उस गंगा मैया का दर्शन करना मानो सब कुछ मिल जाना है। कहते हैं गंगा मैया की महिमा का वर्णन ब्रह्मा जी अपने चार मुखों से भी नहीं कर सके। गंगा वेदों और पुराणों का आधार है। गंगा जीवन का सार है। गंगा जननी है, माँ का वो ममता मई रूप है जिसे देवता भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि जीवन को जन्म देने की शक्ति या तो ईश्वर में है या माँ में। राजा भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो गौरी कुंड में शंकर भगवान ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया था। ऐसी मान्यता है गौरी कुंड के तल में एक शिवलिंग है जिस पर गंगा की धाराएं कुछ इस तरह गिरती रहती हैं, मानो स्वयं गंगा मैया शिव की आराधना कर रही है। शिव की जटाओं से गंगा सात धाराओं में बह निकली थी। गौरी कुंड में गंगा भागीरथी के रूप में
भगवान शंकर का अभिषेक कर रही हैं। कहते हैं इस सृष्टि को दुखों से मुक्त करने के लिए स्वयं परमेश्वर ने गंगा का रूप धरा था। विधि का विधान रचने विधाता कब किस रूप में प्रकट हो जाएं, कोई नहीं जानता। गंगोत्री दर्शन के लिए हिमालय की ऊंचाइयों पर हम जितना आगे बढ़ते हैं मन में गंगा मैया का प्रेम उतना ही बढ़ता जाता है। यही प्रकृति की लीला है। सर्दियों में गंगोत्री धाम पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है, लेकिन गंगा मैया की आराधना में कोई विघ्न नहीं पड़ता। उनकी चल मूर्ति को मुखवा लाया जाता है, जहाँ 6 महीनों तक गंगोत्री मंदिर की परंपरा के अनुसार पूरी विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। जब गंगोत्री में बर्फ पिघलने लगती है और दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ उठती है, तब गाजे बाजे के साथ गंगा मैया की शोभा यात्रा निकाली जाती है और उन्हें फिर से गंगा मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। गंगा मैया जब अपने घर लौटती हैं, तो गंगोत्री धाम की दिशाएं जैसे नींद से जाग उठती हैं। उनकी शोभा यात्रा का दिन किसी उत्सव से कम नहीं होता। 6 महीनों तक गंगा मैया के भक्त इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। गंगा मैया की पालकी को कांधा देना परम सौभाग्य माना जाता है, जो माँ युगो युगो से हमारा भार वहन कर रही हैं। कुछ क्षणों के लिए ही सही उनकी पालकी अपने कंधों पर उठाने का सुख बड़े भाग्य से मिलता है। सुबह का सिंदूर जब पर्वतों पर धूप बनकर बिखरने लगता है, तो गंगा मैया को गंगोत्री मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। परसों पुरानी रीतियों और रिवाजों से उनकी पूजा और आरती होती है। और माँ गंगा एक बार फिर अपने भक्तों पर निछावर होने के लिए मंदिर में विराजमान हो जाती हैं। ये विश्वास ही है कि लोग गंगा जल की 2 बूंदे होठों से लगाकर स्वयं को स्वर्ग का अधिकारी मान लेते हैं। ये विश्वास ही है कि जन्म के संस्कारों से लेकर जीवन की अंतिम यात्रा तक गंगा जल के बिना हर कर्म अधूरा माना जाता है। ऐसे विश्वास को, ऐसी श्रद्धा को, ऐसी पतित पावनी गंगा मैया को शत शत नमन है। हिमालय की इस तपोभूमि में गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा तन की नहीं मन की यात्रा है।
ये यात्रा एक खोज है उस जीवन धारा की जो इन नदियों में बहती है। गंगा और यमुना के जयकारे इन पर्वतों में यूं ही गूंजते रहेंगे। माँ भक्तों की पुकार सुनती रहेगी, उनकी झोलियाँ भरती रहेगी। लेकिन हम आपसे अब विदा लेंगे इस कामना के साथ कि आप फिर होंगे हमारे साथ उस प्रभु को प्रार्थना के कुछ क्षण देने के लिए जिसने हमें ये जीवन दिया है। नमस्कार। सब्सक्राइब माई YouTube चैनल ट्रैवल विद दीप्ति भटनागर।